क्या पार्टी को नुकसान हुआ कि पार्टी ऐसा है, हमारे 38 एमएलए और एक्स एमपी पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी 42 के करीब क्या पार्टी कांग्रेस पार्टी मजबूत है जी। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस हाई कमांड करता है। ये बातें वहाँ कहनी चाहिए, कोई भी वरिष्ठ नेता हो, कोई हो सकता है मेरे कोई ग्राउज हो तो मैं तो वहीं जाके कहूँगा ना। मैं भी कह रहा हूँ वो इंसाफ इंसाफ कौन करेगा, हाई कमांड करेगी ना, इंसाफ ही क्या होगा। जो जो भी फैसला हाई कमांड करता है सबको मान्य होता है। नहीं है, है? कोई कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, आज भी मैं कह रहा हूँ। वो तो उनसे पूछो क्यों गए, वो पूछो क्या टिकट हाई कमांड ने दी है, मैंने नहीं दी, कई दफा कह चुका आपको, तो हाई कमांड से नाराज होंगे फिर। अरे कितने पार्टी छोड़ गए आगे क्या है, जो अपनी जिसको अपना फ्यूचर कहीं अच्छा लगता होगा चला जाएगा, अपने स्वार्थ स्वार्थ में कोई कहीं जाए। कौन से परिवार की बात कर रहे थे वो, और परिवार का कब्जा कहाँ पे हो गया, कहाँ पता नहीं, उस कंट्राडिक्टी है ना, एक परिवार की बात कह रहे, एक परिवार को कह रहे विस्थापित करने की बात कह रहे, कोई कोई वो नहीं है, मेरे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ता। मैं उनकी इच्छा है वो चलेगी, कोई बात नहीं। तो वो तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकता, मनोहर लाल जी कह रहे हैं तो सच्ची कह रहे हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं उनको ये थोड़ा कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी झूठ बोल रहे हैं, सच्ची कह रहे हूँ। नहीं मैं तो ऐसी बात कही नहीं, लगती तो मैं कह देता है। ये अध्यक्ष जी बता देंगे क्या आज का, मैं वो जवाब तो उन्होंने दे दिया। खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई आत्मा हमारे साथ थी, जो अभी आपने पूछा वहां तो शरीर ही था, तो और उन्होंने ये कह दी कि मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी तो है नहीं। तो वो तो पहले क्वेश्चन मैंने तो कहा है कि राज्यसभा में क्या डील हुई है, वो तो वही बता सकती है।